हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आईआईटी जेन एमएससी मैथमेटिक्स का 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसके कुछ इस वीडियो के कुछ पार्ट्स बनेंगे, इस पेपर के कुछ पार्ट्स में हम कुछ सॉल्व करेंगे। हर वीडियो में एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए बराबर, हमारे पास ये दिया हुआ है 1 1 1 3 -1 1 एंड 1 5 3 एंड वी वी आर वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट ए एक्स बराबर 0 देन डायमेंशन ऑफ वी। तो डायमेंशन ऑफ वी क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो बेसिकली इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास गिवन क्या है, ये हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स। तो पहले हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई ऑन दिस मैट्रिक्स आर टू जो है, आर टू टेंस टू आर टू माइनस 3 R1, जिससे हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। और साथ ही आर थ्री के लिए 0 करने के लिए, आर थ्री के लिए कर देते हैं हम आर थ्री माइनस आर वन। तो ऐसा करने पे हमारे पास ये 1 1 1 और यहाँ पे ये टर्म जो हो जाएगी 0। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसमें -3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 और ये 3 तो -4, और ये हो जाएगा हमारे पास -2। और इस तरह से नीचे वाली के लिए हमारे पास हो जाएगा 0 4 एंड 2। तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है हमें, यहाँ पे अप्लाई करने लिख देता हूँ मैं। हमें अप्लाई करना है आर थ्री टेंस टू आर थ्री प्लस आर टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 1 0 -4 -2 0 0 0। ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारे पास अब नेक्स्ट में हम ये भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही बोल सकते हैं या यहाँ से बोल सकते हैं 1 1 1, और ये हो गया 0, -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 एंड 1/2, और ये 0 0 0, ये हमारे पास हो गया। और ये फ्रेंड्स, ये इक्विलिब्रियम फॉर्म कहलाती है। ये फॉर्म क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम फॉर्म, इक्विलिब्रियम फॉर्म है। और यहां से हम देख सकते हैं इस रैंक, रैंक जो है वो कितनी है इसकी, रैंक जो है वो है 2। अब चूंकि रैंक इसकी 2 है तो डायमेंशन ऑफ वी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी बराबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स बराबर 0 विच आर एन माइनस आर, यानी कितने का मैट्रिक्स है माइनस कितनी रैंक है, तो 3 -2। तो ये हो गया हमारे पास 1। तो यहां से हमारे पास डायमेंशन ऑफ बी जो है वो हमारे पास 1 आ चुकी है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन एफ बराबर आर वेक्टर अपॉन मोड आर एन, जहाँ पे आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप मोड आर वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेनिस एज 1 -1 3 एंड -3, ये ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास मोड आर बराबर क्या होगा, बेसिकली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रहेगा हमारे पास। तो यहाँ से मोड ऑफ आर टू द पावर एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई टू। अब ये हो गया हमारे पास। और डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है फिर से, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर क्या है, आर अपॉन मोड आर की पावर एन। तो ये हो गया हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ आर की जगह तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड
कैप अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई टू, ये हो जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ये निकाला, तो डाइवर्जेंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस बेसिकली डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ, यानी कि ये टर्म, अगर इस टर्म को हम एफ दे दें तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस टर्म प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस टर्म, यानी कि दिस टोटल टर्म एफ जेड। तो हमारे पास हमें इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होंगे। जब फिर से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई टू। इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस एन बाई टू माइनस वन, और साथ में ही मल्टीप्लाई में होगा इसके, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास डेल अपॉन डेल जो जो कि डेल डेल अपॉन डेल एक्स की होगी। इस तरह से डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू लिखेंगे हम। तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड की जब वैल्यू हम निकलेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें मैं इसका सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। इस तरह से डेल अपॉन डेल सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई टू, इसका हमें डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है। इस तरह से जेड वाली टर्म के लिए निकालना है। जब ये सब कुछ आ जाएगा तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो जीरो के इक्वल पुट करना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, जहाँ पे वेनिस करता फंक्शन एफ जो है फॉर विच वैल्यू ऑफ इन द डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन इसका वेनिस करेगा, वेनिस करेगा यानी मतलब वहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो होगा वो जीरो होना चाहिए। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास बेसिकली लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी हमारे पास थ्री माइनस एन एंड यहाँ पे आर टू दी पावर एन, ये आएगी वैल्यू हमारे पास। और जब इसको ये जीरो कब होगा, जब एन बराबर थ्री होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ हिंट दिया है, हिंट दे के आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं। और आप मुझे मेल कर सकते हो HITESHMEE00155@gmail.com। तो फ्रेंड्स ये मेरी मेल आईडी है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।